तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रुणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। आमल की एकादशी व्रत कथा भक्त जनों ध्यान पूर्वक सुनिए। होलिका दहन के चार दिन पूर्व फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और महाराज मंधाता के मध्य संवाद रूप में इस एकादशी की कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मंधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यह तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की इस एक आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्ध्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा के समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गया। देवयोग से मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी में मलेच्छ वहाँ आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज़ें लगाते वसुरथ की ओर दौड़े। ये मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पोत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को मूर्छा आ गई। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी।
वो स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि शत्रुओं को किसने मारा। वैसा विचार कर रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चलाया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्य में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। सभी भक्त जन एक साथ मिलकर बोलिए विष्णु भगवान की जय।